मुसलमानों के खास त्योहारों में से ईद एक सबसे खास त्योहार माना जाता है। रमजान के बाद ईद, ईद के बाद फिर बकरीद आती है। इस दौरान हज भी शुरू हो जाता है। हालांकि इस बार हज यात्रा पर जा रहे भारतीयों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सऊदी सरकार कुछ सख्त नियम लेकर आई है जिसे तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है। आइए जानते हैं आखिर पूरा अपडेट क्या है। इस साल हज के लिए कई देशों से लोग सऊदी पहुंचने लगे हैं। हाजियों का पहला ग्रुप गुरुवार को सऊदी अरब पहुंच चुका है। पहले जत्थे में भारत के भी 283 लोग शामिल थे। पहले जत्थे का मदीना में प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर सऊदी सरकार में मंत्री साले बिन नासिर अल जस्सर और अब्दे फत्ताह ने वेलकम किया। सऊदी में भारत के राजदूत सुहेल अजाज खान भी भारतीय हाजियों के वेलकम के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। सऊदी अरब में भारतीय मिशन ने भारतीय तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने की बात कही है। इस साल सऊदी अरब ने कई नियम बदले हैं, जिससे एक तरफ हाजियों को सुविधा तो होगी तो चूक होने पर जुर्माना भी लग सकता है। सऊदी अरब ने बिना परमिट के बिना हज करने की कोशिश करने वालों के लिए सख्ती करते हुए अनाउंसमेंट की है कि बिना परमिट के लोगों को हज करने वाले व्यक्ति पर 50,000 रियाल करीब 11 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि जुर्माना वहां के रेसिडेंशियल और कुछ सस्पिशियस लोगों पर भी लागू होगा। सजा पूरी होने के बाद ऐसा करने वालों को 10 साल के लिए देश से निष्कासित भी किया जाएगा। ऐसे लोगों के 10 साल तक देश में दोबारा एंट्री करने पर भी रोक होगी। इसके साथ ही सऊदी अरब सऊदी हज मंत्रालय ने हज के सीजन के दौरान पवित्र स्थलों में एंट्री देने के लिए तीर्थ यात्रियों के लिए आधिकारिक तौर पर नुसुक कार्ड सभी हाजियों को दिया जाएगा, ताकि फर्जी तरीके से किसी को पवित्र स्थलों में एंट्री से रोका जाए। इतना ही नहीं, मक्का में एंट्री के लिए भी परमिट की जरूरत होगी। बिना परमिट मक्का में एंट्री नहीं मिल पाएगी। सऊदी सरकार ने हाजियों के लिए नया स्मार्ट ऐप और हज सुविधा ऐप भी लॉन्च किया है। इस पर हाजी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते। इस साल जद्दा में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने हज यात्रा के लिए कई सारी फैसिलिटीज लेकर आए हैं। इस साल हज 14 जून या उसके आसपास शुरू होने और 19 जून को पूरा होने की उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।